हिंदी फिल्म हो चाहे कोई इंग्लिश फिल्म हो, इनमें सब अच्छी फिल्में चल रही हैं और ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, तो वो जो रिएक्शन आ रहा है फिल्म्स को लेकर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक लैंग्वेज की फिल्म चल रही है। आप मतलब अगर कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म चलती है तो कोई हिंदी लैंग्वेज की भी फिल्म चलती है, जैसे कि गंगूबाई फॉर एग्जांपल, वो भी चलती है। तो मैं खुद लास्ट ईयर मैंने धमाका की और मैंने एक नेटफ्लिक्स में अपना डेब्यू किया, एंड थैंकफुली वो भी अपने लेवल पे उस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा करी। तो इट्स 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 ये बहुत अच्छा टाइम है एक्चुअली अच्छे कंटेंट के लिए, रादर देन कि वो लैंग्वेज का नहीं है, वो अच्छी फिल्म का या बुरी फिल्म का ही सवाल है बस अभी। दूसरा सवाल जो हॉरर कॉमेडीज का है, मुझे लगता है कि एक अगेन इसमें बहुत थिन लाइन होती है, एक सुर होता है जो गलत अगर पड़ गया तो बहुत बुरा पड़ जाता है उस फिल्म के लिए। हॉरर कॉमेडीज जॉनर क्रैक करना मुश्किल भी है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी भी उस चीज़ में है कि अगर आप कॉमिक, जैसे मैं अभी तक रोम कॉम्स किया हूँ या कॉमेडी फिल्म्स किया हूँ, जब इसको हॉरर कॉमेडी में फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मेरे लिए वो हॉरर एलिमेंट्स ऐड होना कॉमेडी जोन में, वो मुझे और ज़्यादा हेल्प करने लगा था इस फिल्म में। मुझे लगा कि यहाँ पे थ्रिल्स और ज़्यादा आ रहे हैं और कॉमिकल एलिमेंट्स तो हो ही रहे हैं बट इसके साथ साथ थ्रिल्स भी आ रहे हैं, तो फिल्म और इंट्रीगिंग होती रहती है और मजा आने लगता है क्योंकि बहुत सब प्लॉट्स चलते रहते हैं लेकिन इसमें। दोनों दोनों बहुत डिफरेंट है ना। हॉरर एक तरफ आप डरा रहे हैं, एक तरफ हंसा रहे हैं। वही क्रैक करना सबसे डिफिकल्ट काम है कि वही जो मैं बोला था कि वो क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो स्टोरी लाइन पे मैच कर गया तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आपने एग्जाम्पल देखे होंगे हॉरर कॉमेडीज के जो बहुत चले हैं, एंड इट्स बिकॉज कि आपको जब ऑडियंस ऐसे थिएटर में देखने आती है वो फिल्में, तो वो थ्रिलिंग मोमेंट भी आ रहा होता है और वो एंटरटेनमेंट भी हो रहा होता है उनका। तो ये फिल्म के साथ वो बहुत है कि आपको डराएगी भी लेकिन आपको उतना हंसाएगी भी, एंड इट्स ब्यूटिफुली शॉट। जिस तरीके की लोकेशंस थी और जिस तरीके का गाना था, सिर्फ दो लोगों के बीच वो गाना हुआ था, कियारा और मेरे बीच में, एंड बाकी लोकेशन ही थी जो उसको ब्यूटीफुल बना सकती थी। तो एंड इट्स कम आउट रियली वेल, ऑल बिकॉज ऑफ हाउ जयपुर, हाउ ब्यूटीफुल जयपुर लुक। तो वो चीज़ थी। बाकी लखनऊ में शूट किया है, मनाली में शूट किया है, थोड़े बहुत मुंबई में आउटस्कर्ट्स में शूट किया है, मुंबई के अंदर शूट किया है। ये फिल्म का एक्चुअली एक सीन ये चीज़ हो गई थी कि कोविड बीच में आ गया था, हमने स्टार्ट की थी प्री पैंडमिक में और उसके बाद कोविड 15 दिन शूट किया, उसके बाद तुरंत जानना चालू हो गया कि कोविड क्या है, पेंडेमिक क्या होता है, ये क्या होता है, सारे वर्ड्स गूगल करने हमें सबको पता लगना चालू हुआ। तो वो उस टाइम से ये फिल्म स्टार्ट हुई थी एंड वी फिनिश्ड इट, बट सबका इतना भरोसा था इस फिल्म में क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर है जो बहुत टाइम बाद आ रही है और जिस तरीके का रिएक्शन भी अभी सबका आ रहा है कि देखना चाहते हैं थिएटर्स में जाके, तो ये वैसी ही फिल्म है और जैसा अनीस सर ने लार्जर देन लाइफ सोचा था, आई थिंक ही इज मेड दैट काइंड ऑफ अ फिल्म।